बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंटिन्यू है, लेक्चर नंबर 4 आज हमारा। वैसे तो पार्ट 6 मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में, पार्ट 5 भी करने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए। इसमें एक एलसीएम लेने के वाले से एक रूल यूज होगा, तो उसके बारे में आपको पता चल जाए ताकि आसानी हो सॉल्व करने में बाकी क्वेश्चन भी, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। ये रखा हुआ इसकी पार्ट 5 के x-2 over x² + 6x + 9 - x+2 over 2x² - 18। x-2 मैंने वैसे लिखा। अब ये जो नीचे है इसके रकम, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक आ फिर भी अगर फार्मूला वैल्यू सकता है फार्मूला। अब देखिए ये तीनों रकमों में प्लस है, फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ, जैसे ये देखिए फार्मूला नंबर 2। इस फार्मूले को हम यू भी लिख सकते हैं, ये जो प्लस 2 ए बी से दरमियान में लिख सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेशन इसकी ऐसे होती है, देखिए ए का स्केयर यानी पहली का स्केयर और प्लस दूसरी का स्केयर, जो रकम यहाँ पे होती है वो यहाँ आती है और जो इधर होती है वो यहाँ पे आती है। जिनके ऊपर स्केयर होता है उनको प्लस करके वो स्केयर, ऐसे फार्मूला बनता है। अब इसी फार्मूला के मुताबिक आप ये देखें एक्स स्केयर है, ये एक्स का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 तो फार्मूले वाला होगा, यहाँ भी मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये देखें ऐसे, और 9 ये 3 का स्केयर। अब देखिए जो इधर होगा वो यहाँ पे और जो इधर है वो यहाँ। अब हम ये देखते हैं फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3 × 6x, अगर ये आ जाए तो फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब माइनस x प्लस 2 मैंने वैसे लिखा, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2 9 ये आ गया यहां, उस रकम को सॉल्व किया। अब x माइनस 2 जब पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 पहली दूसरी, जस्ट लाइक ये फार्मूला जैसे मैंने, जब पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 पहली दूसरी, जिनके ऊपर स्केयर है उनको प्लस करके होल स्केयर कर लिया, तो ये फार्मूला बन गया। इनके ऊपर स्केयर x प्लस 3 होल स्केयर माइनस x प्लस 2 x स्केयर माइनस 9 x स्केयर और 9 3 का स्केयर, ब्रैकेट बंद, x माइनस 2 x प्लस 3 होल स्केयर, स्केयर है 2 टाइम लिख लेते हैं, x प्लस 3 x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 2 पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। फार्मूला नंबर 1, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस, इसे एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस, ये यहां पे आप देखिएगा कि इसका एलसीएम कैसे लेना है। ये इस चीज को समझाने के लिए मैंने दोबारा पार्ट 5 जो है वो चूज किया। अब देखिए ये इस तरह के वैसे क्वेश्चन जो आगे आएंगे चैप्टर 6 में कि एलसीएम कैसे लेते हैं। पहले जितने भी आपने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें वो छोटी रकम थी, एलसीएम फौरन ले लिया हमने, अब ये बड़ी रकम आ गई, इसके एलसीएम कैसे लेंगे, तो वो पहले एलसीएम लेना एक मेथड बता देता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है कि ये 6 चैप्टर सॉल्व करें तो फिर ही समझ आएगी, लेकिन मैं आपको रूल बता देता हूँ कैसे। आप ये देखिए कि पहली रकम कौन सी है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 ये लिख लिया हमने, पहले वाली थी ये मैंने लिख दी, उसके बाद ये लिख देता हूं 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फॉर्मूला कॉमन फैक्टर
मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ये एलसीएम का फॉर्मूला था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं यहां पे ये दो टर्म हमारे पास, इनमें कॉमन क्या है जी, ये देखिए कॉमन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री ये कॉमन, इसमें एक लिख लेंगे एक्स प्लस थ्री। उसके बाद और भी कॉमन नहीं है, अब ये एक दो तीन टर्म्स ये अनकॉमन है, एक टू है और x प्लस थ्री है और x माइनस थ्री, ये अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जो चीज हासिल होती है हम उसे बोलते हैं एलसीएम। अब इसका एलसीएम यहां मैं एलसीएम लूंगा जी, क्योंकि यहां लिखी हुई तो इधर ही करूंगा, फिर बाद में दूसरे लिख दूंगा मैं। अब देखिए एलसीएम कैसे बनेगा, ये मैंने यहां पे सॉल्व किया है, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले टू लिख लेते हैं, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, ये हमारा एलसीएम आया। मैंने रेंज करके सबसे पहले टू लिखा, फिर एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ये एलसीएम आ गया हमारा। ये था कि इसको एलसीएम कैसे लेना है, बड़ी रकम के द्वारा, एक्स प्लस थ्री ये दो रकमें और एक्स प्लस ये दोनों सेम है, सेम हमेशा कैंसिल हो जाती है, इससे हमारे पास टू और एक्स माइनस थ्री, टू और एक्स माइनस थ्री, जो रिमाइंडर या जो पीछे रह जाती है उसको ऊपर जो डोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस थ्री माइनस ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, x प्लस थ्री सिर्फ रह गया, x प्लस थ्री यहाँ लिखा मैं, x प्लस टू आगे लिख दें नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने। अब हम ऊपरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो सकता है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे यहां तक क्लियर हो गया, अब हम आगे देखते हैं यहां पे सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स को एक्स माइनस टू से और माइनस थ्री को एक्स माइनस टू से, दबाने भी करने चाहिए लेकिन मैं पूरा आप सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले एक्स लिख दो, आगे एक्स माइनस टू, x को x माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री को x माइनस टू से, माइनस थ्री x माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब माइनस ब्रैकेट करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट लास्ट में डालेंगे, x को x प्लस टू से, x को x प्लस टू से, प्लस थ्री को फिर एक्स प्लस टू से, सबके नीचे लाइन टू एक्स प्लस थ्री टू टाइम, आप इसकी दोबारा हम यहां पर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर और x माइनस थ्री पीछे रह गए, वो मैंने सिंपलीफाई इकट्ठा कर दिया, मैंने कंबाइन कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे, टू एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स, माइनस एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस टू एक्स,
प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये वैसे लिखते जाएंगे हम, टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल का सिंबल, टू से बढ़ने जा रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व बार माइनस एक्स साइन चेंज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की एक्स के दिर्घ में एक तरफ माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स के दिर्घ में एक तरफ कर लिया रेश कर लिया प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री 2x square minus x square, 2 में से 1 minus करेंगे x square, ये भी minus, ये भी minus, ये भी minus, ये भी minus, तो जितने भी minus के रखना हम plus कर देते हैं, symbol वही लगेगा, minus का 4 में 6 10, 10 में 2 12 और 15, 15x, 12 minus 6, but it's a plus है, plus 6 नीचे ऐसे लिख दें, अगर आपने ये पहले लिख रहे हैं रेंज करना है ऐसे और स्केल वाली बाद में लिख लें एक ही बात है, अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं, ये इस क्वेश्चन का जाना आंसर है, सारा सॉल्व किया हमने, तो इसे आप जरा थोड़ से देख लें कैसे सॉल्व किया है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रेंज का, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 ये सॉल्व करने लगा हूं मैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें देखिए यहां पे डिवीजन का सिंबल है, इस वाला में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया, इसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन होगी या फार्मूले का एप्लीकेशन कह सकते हैं। अब ये 4x - 12x ओवर x2 - 9 डिवीजन का सिंबल, 18 - 2x2 ओवर एक्स के प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, यहां सबसे पहले से सोल्व करते हैं फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, देखिए फोर पे डिवाइड हो सकते दोनों टर्म, फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर फोर कैंसल एक्स माइनस फोर थ्री, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं एक्स केयर नाइन ये थ्री का स्केयर, डिवीजन का सिंबल अभी वैसे लिख देता हूं मैं, यहां देखते हैं क्या कॉमन निकलता है, ये देखिए टू के टेबल में दोनों डिवाइड हो सकते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, टू नाइन और टू वन टू टू कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, मिड टर्म से भी कर सकते हैं, अगर फार्मूला अप्लाई होता तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ये मैंने स्पेस छोड़ी और नाइन थ्री का स्क्वायर, मैंने कहा था जो इधर टर्म होती है वो यहां आती है और जो इधर वो यहां आती है, फार्मूला बन जाता है फोर एक्स माइनस थ्री, जब पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, कई मरतबा यूज किया फार्मूला, एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस,
डिवीजन का सिंबल, टू नाइन ये थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद है। जब पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस टू पहले दूसरी, तो जिनके ऊपर स्क्वायर होता है उनको प्लस करके होल स्क्वायर कर लेते हैं। पहला ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये देखिए सेम है, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ऊपर नीचे रखना सेम है तो कैंसिल हो जाती है, ये दोनों कैंसिल कर दिया, ऊपर सिर्फ फोर है एक्स प्लस थ्री, डिवीजन का सिंबल जो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर एक बटवा माइनस एक बटवा प्लस एक्स प्लस थ्री होल स्केयर, ऊपर पावर टू है इसका वजह से हम टू टाइम लिख लिए, यहां तक क्या फोर नीचे एक्स प्लस थ्री है। डिवीजन के सिंबल को अगर मल्टीप्लीकेशन में मैं कन्वर्ट करूंगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल अगर मैं लिखता हूं, इसका रेसिप्रोकल ये इन्वर्स हो जाएगी, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा, एक्स प्लस थ्री मैं ऊपर लिख दूंगा। ये रूल है कि डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे कन्वर्ट हो जाती है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री टू थ्री माइनस एक्स, ये जो थ्री प्लस एक्स है मैं इसे एक्स प्लस थ्री भी लिख सकता हूं, ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, इसे बोलते हैं कोमिटेटर प्रॉपर्टी, यानी एक्स प्लस थ्री लिखा होगा या थ्री प्लस एक्स, और ये पॉजिटिव होती है उसमें माइनस में नहीं होती, पॉजिटिव की रकम को आगे पीछे कर सकते हैं आप, तो इसे बोलते हैं कोमिटेटर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक्स प्लस थ्री करके। अब आप देखिएगा कि ये देखिए एक्स प्लस थ्री प्री एक्स प्लस थ्री कैंसल है, कैंसल कर दिया सेम है, और ये एक्स प्लस थ्री ये एक्स प्लस थ्री कैंसल हो गया, टू वन टू और टू टू फोर, ऊपर हमारे पास जो रकम आ गई वो टू है और नीचे थ्री माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ गया। देखें आप ये रकम थी, मैंने फोर कॉमन लिया, फोर वन फोर और फोर थ्री ट्वेल्व एक्स के और ये थ्री का स्केयर, टू यहाँ से कॉमन लिया टू नाइन और टू वन टू यानी कैंसिल हो जाए एक्स के, और यहाँ ये एक्स का स्केयर है ये थ्री का स्केयर है और प्लस टू ये जो इधर है इधर आ गया जो इधर इधर आ गया। अब ये जब पहली का स्केयर माइनस ऊपर वाली तो वैसे लिखी, जब पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर एक दफा माइनस एक दफा प्लस किया ठीक हो गया, उसके बाद ये टू यहाँ पे थ्री का स्केयर और माइनस एक्स का स्केयर है, जब पहली का स्केयर माइनस दूसरी का एक दफा माइनस एक दफा प्लस, और ये फार्मूला अप्लाई हो गया एक्स प्लस थ्री होल स्केयर, सेम था कैंसिल कर दिया फोर ओवर एक्स प्लस थ्री ये बचा, और टू जब पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर एक दफा माइनस एक दफा प्लस एक्स प्लस थ्री होल स्केयर है, यानी टू टाइम मैंने टू टाइम लिखा। अब डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में मैंने कन्वर्ट किया, ये मैंने वैसे लिखा ये रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाले नीचे ऊपर लिख दी, अब जो सेम है उनको मैंने कैंसिल कर दिया, एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, टू वन टू 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 फोर टू ऊपर आ गया और ये थ्री माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। अब वो इसको देखने वाले